आर्थिक रूप से खस्ताहाल पाकिस्तान को अब अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से धमकियां भी मिल रही हैं। दोनों मुल्कों के बीच तनाव अपने चरम पर है और ये जो तनाव उपजा है उसके केंद्र में गैर कानूनी घोषित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में बढ़ते हमले हैं। TTP पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय एक चरमपंथी संगठन है जो लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। TTP कबीलाई इलाकों से सेना की वापसी और अपने कैद लड़ाकों की रिहाई चाहता है। BBC हिंदी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखता है कि साल 2021 में TTP ने पाकिस्तान में कुल 282 हमले किए, जिसमें कम से कम 500 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। इसी संगठन ने जनवरी 2022 में 42 हमले किए। इन हमलों के बाद पाकिस्तान सरकार ने हर बार कहा कि हमला करने वाले आतंकी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब जब पाकिस्तान ने ये कहा ऐसा कहा तो अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान ने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए नहीं हो रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के बारे में बताते हुए मुझे और भी कुछ याद आ रहा है। कुछ साल पहले तक जब भारत के किसी हिस्से में आतंकी हमले होते थे तब यहाँ की सरकार इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती थी, तो पाकिस्तान भी ठीक ऐसी ही प्रतिक्रिया देता था जैसी अभी अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान को दे रही है ना। आपको भी याद आया होगा 15 दिसंबर 2022 को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UN में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए अमेरिका की विदेश मंत्री रह चुकी हिलरी क्लिंटन को कोट करते हुए कहा था कि अगर आप अपने घर के पिछवाड़े में सांप पालेंगे और चाहेंगे कि वो केवल आपके पड़ोसियों को ही डसे तो ऐसा नहीं होगा। खैर, हम हालिया तनातनी पर लौटते हैं। हमले बढ़े तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की रहनुमाई में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई और इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि पाकिस्तान किसी भी देश को अपनी धरती आतंकवादियों के शरण स्थली के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। इन्हीं हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने 1 जनवरी को दिए अपने बयान में कहा कि अगर अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अगर कहीं से पाकिस्तान के खिलाफ किसी क्षेत्र का इस्तेमाल हो रहा है तो पाकिस्तान वहां कार्रवाई का अधिकार रखता है। पाकिस्तान की तरफ से दिए गए इस बयान को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भड़काऊ बताया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया कि अफगानिस्तान अपनी धरती की रक्षा करना जानता है। ये तो हुई आधिकारिक प्रतिक्रिया, लेकिन पाकिस्तान से आए इसी बयान के बाद कतर की राजधानी दोहा में रह रहे तालिबानी नेता अहमद यासीर ने ट्विटर पर वो ऐतिहासिक तस्वीर शेयर की जिसमें पाकिस्तानी सेना के सर्वे सर्वा भारतीय सेना के सामने समर्पण करते दिखते हैं। चूंकि यासीर ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा हुआ है कि यहाँ रखे गए विचार निजी है, सो हम ये तो नहीं कह सकते कि तालिबान सरकार ने इस तरह से पाकिस्तान सरकार को धमकाया, लेकिन इतना ज़रूर ही कह सकते हैं कि सालों तक आतंकवादियों के लिए सेफ जोन बना रहा पाकिस्तान आज इसी को झेल रहा है। वैसे सालों पहले बाबा कबीर कह भी गए हैं, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए।